शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारा एक एक मिनट कितना कीमती आप लोगों को समझ में भी आ रहा है? बस एक चीज पता करने को कहा था हमने कि शेर का मांस कहां से खरीदा गया है, उस दुकान का पता निकलवाइए। लेकिन अभी तक हमारे डेस्क पे एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। मैडम सर, हमने कानपुर की हर एक दुकान में पता किया है, लेकिन किसी ने भी इतने सारे शेर के मास्क नहीं खरीदे। ये बब्बर शेर वाले हमसे फिर से दो कदम आगे निकले। मास्क शहर से बाहर खरीदा गया। एक काम करें, आसपास के शहर में पूछताछ करें। लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, हर जगह पता करें। रिपोर्ट हमें चाहिए। कीर्ति सर, तुम्हें पता है ना, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है उस बब्बर शेर गैंग के मेंबर्स को पकड़ने के लिए। जी सर। अब सोचने का वक्त नहीं कीर्ति, जरूरत पड़े तो आसमान चीर डालो या जमीन खोद डालो। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। मुझे किसी भी कीमत पर वो बब्बर शेर गैंग के मेंबर्स सलाखों के भीतर चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। यस सर। जहां जहां चोरी हुई है फिर से जाइए, पूछताछ करिए, दबाव डालिए उन पे, शायद कुछ नया मिले जो पिछली बार छूट गया हो। ओके मैडम सर। अब श्रद्धा, तुम क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ सच। हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे सच बता पाओ? मैं समझी नहीं। रोशनी, तुम ये बात जानती थी ना कि अभय की याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन तुमने मम्मी जी को भड़काया और उन्हें बीच में ले आई। भड़काया? श्रद्धा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आंटी जी को क्यों भड़काऊंगी? और फिर अभय के डॉक्टर होने के नाते मुझे उसकी तबीयत की चिंता है, अगर कुछ बुरा हो जाता तो। बुरा तुम्हें अभय के लिए लग रहा है या फिर बुरा तुम्हें खुद के लिए लग रहा है रोशनी? श्रद्धा, कि तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस अभय की फिक्र कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम क्या कर रही हो? रोशनी, ये क्या किया तुमने रोशनी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है अभय। तुमने उसके साथ बदतमीजी की, धक्का दिया उसे, देखो रो रही है वो। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है अभय। अभय, बिना देखे तुम इस तरह श्रद्धा पे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखा तो आपने भी नहीं बुआ जी, फिर भी आप श्रद्धा का साथ दे रही है ना? हाँ, क्योंकि हमारा श्रद्धा के साथ पुराना रिश्ता है। वो कैसी है और कैसी नहीं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ओ भाई, ये तो डॉक्टर से ज्यादा नौटंकी बात निकली। रोशनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आंटी जी, मैं यहाँ खाना बनाने आई थी अभय के लिए, और अचानक से श्रद्धा पीछे से आई और मुझ पर भड़कने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझ के उसके नाटक को बीच में ही रोक दिया ताकि ताकि अभय की याददाश्त वापस ना आ सके। आंटी जी, मैं भी तो अभय की डॉक्टर हूँ, मुझे भी तो अभय की चिंता है, तो उसका भला तो मैं समझती हूँ ना। श्रद्धा, अगर तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझे लेकर आई थी ना अभय का इलाज करने के लिए, तो थोड़ा तो भरोसा करो मुझ पर। श्रद्धा, रोशनी से अभी माफी मांगो। माफी? मैं रोशनी से माफी क्यों मांगूंगी? तुमने उसके साथ बदतमीजी की, धक्का दिया उसे, अब अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगोगी तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अभय, जिसकी वजह से मुझे रोशनी से माफी मांगनी पड़े। यार क्या हो तुम, किराएदारों की तरह अपने काम से काम रखा करो ना, मेरे सर पे क्यों नाचती रहती हो?
अब जिससे मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ तुम बदतमीजी करोगी? चाहती क्या हो तुम? आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है क्या? आप है, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए, मेरी चिंता करने के लिए रोशनी है, और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती, समझी? चलो आरती, यहां तो तमाशे खत्म ही नहीं होते। आंटी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना अभय के साथ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने एक बात नोटिस की है, जितनी बार श्रद्धा अभय के सामने आती है ना, अभय को गुस्सा आ जाता है। क्या आप अपने बेटे को ऐसे ही जीते हुए देखना चाहती हैं? बुआ जी, अगर चाहते सब तो अभय की याददाश्त आज पूरी तरह से हम वापस लेके आ ही जाते, मगर अभी भी उम्मीद तो बनी हुई है ना मुझे। अगर हम थोड़ी सी कोशिश और करें ना, तो अभय को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हाँ श्रद्धा, ये बात हमने भी कई बार महसूस की है कि अभय पुरानी बातों को यूं ही बोल देता है और उसके बाद उसे कुछ एहसास होता है और वो चुप हो जाता है। अगर हम आज की बात ही करें तो उसके चेहरे पर साफ साफ ये बात नजर आ रही थी कि धुंधली ही सही, लेकिन पुरानी बातें उसके दिमाग में ताजा हो रही है। हाँ बुआ जी, आज अभय को वो सब याद आ रहा था जब हम घर के बाहर बैठकर एक साथ आइसक्रीम खा रहे थे। सच? हाँ बुआ जी, लेकिन बुआ जी मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इस मामले में हम आगे कैसे बढ़ें। श्रद्धा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हमें भी यही लगता है। पहले वो डॉक्टर मीरा जाया तुम्हारे पीछे पागल, और अब ये डॉक्टर रोशनी जो हमारे अभय के पीछे संकी है। बुआ जी आप सही कह रही, किसी दूसरे और किसी बेहतर डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए इस बारे में। श्रद्धा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा कोई प्रयोगशाला में एक चूहा है जो यहाँ रोज नए नए डॉक्टर आएंगे और उस पर कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे? नहीं, यहाँ कोई नया डॉक्टर नहीं आने वाला है। लेकिन मम्मी जी, अभय की याददाश्त वापस आने की पूरी उम्मीद बनी रही है। हम किसी बेहतर डॉक्टर को अगर दिखवाएं ना, तो उससे अभय का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और भाभी, आप उस रोशनी के भोले भाले चेहरे और चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसिए, वो सिर्फ आपको फंसा रही है। अरे हम कोई भोले भाले बच्चे नहीं हैं, जो हमें बातों की समझ नहीं है। हमने कह दिया ना, इस घर में कोई नया डॉक्टर नहीं आने वाला है, बस। चलो थोड़ा खा लो। बस इसकी शक्ल देख ली, मेरी भूख ही मर गई, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा मम्मी। अरे बेटा, रात गई बात गई, चलो आओ बैठ के तुम अच्छे से खाना खा लो। आओ। नहीं मम्मी, मैं इसे एक सेकंड और घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और बचपन से हम जो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करते आए उसका क्या? चुपचाप बैठ के सबके साथ खाओ। आप तो रहने दो बुआ जी, बुआ मेरी हो, वो साथ हमेशा इस दिमाग खाओ किराएदारनी का देते हो। बुआ जी, आपको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं श्रद्धा, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। कल जो मैंने किया मुझे उसके लिए माफ कर दो प्लीज। मैं अभय की चिंता में भूल गई थी कि तुम्हें भी अभय की उतनी ही चिंता है जितनी मुझे। अब श्रद्धा, जो हुआ उसे भूल जाओ ना। अभय, जो कुछ भी हुआ कल तुम भी भूल जाओ, इतना गुस्सा और तनाव तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, जिस तरह से इसने कल तुमसे बदतमीजी की है,
ना तो मैं भूलूंगा और ना ही इसे माफ करूंगा। मेरे लिए भी नहीं। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आओ नाश्ता करते हैं। श्रद्धा चल हमारे साथ। क्या हुआ मम्मी जी, कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? क्यों, बिना पूछताछ के हमारे साथ नहीं चलोगे? चलो मम्मी जी। क्या हुआ है मम्मी जी, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हैं? मम्मी जी आपके दिल में कोई बात है तो वो कह दीजिए ना। इस तरह से आप चुप क्यों खड़ी हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी जी बोलिए ना। श्रद्धा, श्रद्धा जिस दिन से हम तुम्हें अभय के लिए अपने घर में लाए उस दिन से आज तक हमारा दिल ये जानता है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी अभय को कभी नहीं मिल सकता। लेकिन आज भगवान के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, ना ही छुपा सकते। श्रद्धा तुमने जैसे अभय को और पूरे परिवार को श्रद्धा और प्यार दिया है उसका कोई मोल नहीं, जितना कोई सोच भी नहीं सकता है उस हद से भी ज्यादा तुमने हमेशा त्रिपाठी परिवार को बस दिया है। इसलिए आज ये माँ तुमसे कुछ भी बोलने के पहले तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। जी, ये सब क्यों क्यों कर रही है? क्या है ये सब? क्योंकि एक माँ हार गई, फिर से हार गई श्रद्धा। मम्मी जी आप क्या कहना चाह रही है कुछ समझ में नहीं। ये क्यों बोल रही है मम्मी जी, क्या हो गया है? श्रद्धा क्योंकि आप अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, क्योंकि ये माँ अपने बेटे को धुंधली यादों में तड़पता और नहीं देख सकती। श्रद्धा ये माँ अपने बेटे की खुशी के लिए जिंदा है और अब उसकी खुशी तुम नहीं हो श्रद्धा, उसकी खुशी रोशनी है। जानते हैं कि ऐसा मांगना तो क्या, ऐसा सोचना भी गुनाह, लेकिन अगर इस पाप से हमारे बेटे का दुख कम हो जाता है तो ये पाप हम अपने सर पे लेने के लिए तैयार है श्रद्धा। मम्मी जी ये क्या मांग रही हैं आप मुझसे? हम अपने बेटे की खुशी और आजादी मांग रहे हैं श्रद्धा। उसे आजाद कर दो अपने रिश्ते से, क्योंकि उसकी खुशी रोशनी है।
मुझे बढ़ने दो अपने रिश्ते में रोशनी के साथ, और तुम भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अगर आप मुझसे मेरी जान मांग लेती ना, तो इसी वक्त मैं अभय के लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे देती। लेकिन आपने तो मुझसे मेरे जिंदा रहने की वजह मांग ली। श्रद्धा, तुम इस बात को समझो कि अभय तुम्हारे साथ अपना रिश्ता, अपना प्यार भूल चुका है। अगर कुछ भी उसके साथ जुड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ दर्द और गुस्सा है, और ये हम नहीं देख सकते। तुम जानती हो कि रोशनी उसका सुकून है। इस बात को समझो कि तुम उसका कल, रोशनी रोशनी उसका आज है, रोशनी उसका आने वाला कल है। मम्मी जी, और उसी आने वाले कल में अभय की याददाश्त वापस आ गई तो तब क्या अब अभय की खुशी के लिए रोशनी को लौट जाने के लिए और मुझे वापस आ जाने के लिए कहेंगी? तब क्या करेंगी अभय की खुशी के लिए? आप तब क्या करेंगी मम्मी जी? श्रद्धा, श्रद्धा, हम कैसे तुम्हें या खुद को उस उम्मीद से जोड़े रखे जिसे हम कब का खो चुके हैं? हमने समझौता कर लिया है कि हम हमारे बेटे की याददाश्त तक कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम अपना अचल ऐसी ही अपने प्यार के लिए हमारे सामने फैलाई थी, और आज उसी प्यार के लिए ये माँ उसकी खुशी के लिए तुम्हारे आगे भीख मांग रही। आखिर में श्रद्धा, फैसला तुम्हारा ही होगा कि तुम क्या चाहती हो, अपने प्यार की खुशी या जिंदगी भर का दर्द।
भाभी अब कहाँ और क्यों अचानक से गायब हो जाती है? कहाँ चली गई थी आप सुबह सुबह? भाभी हम आपसे ही बात कर रहे हैं और श्रद्धा भी तो आपके साथ ही गई थी ना, तो कहाँ है श्रद्धा? हम अपने बेटे की खुशी और आजादी मांग रहे हैं श्रद्धा, उसे आजाद कर दो अपने रिश्ते से। क्योंकि उसकी खुशी रोशनी है। तनुजा अब कहाँ खोई हुई है, कहाँ है श्रद्धा? वो श्रद्धा को हमने श्रद्धा कि तुम्हारे हाथ कैसे छिल गए और ये बाल ये कैसे बिखर गए? तुम हाबी के साथ गई थी ना? अरे बुद्ध की तरह खड़ी क्या हो वहाँ, क्या हुआ? फिर से खुद तुम्हारे साथ हुआ क्या? भाभी कुछ तो बोलो, क्या हुआ बताइए ना। मम्मी भी कब से चुप ही खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही, ठीक हो आप? आप दोनों क्यों खामोश है, मैं घबराहट हो रही है, बताइए ना क्या हुआ है? पता नहीं श्रद्धा के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर क्या फैसला लिया उसने? फैसला तुम्हारा ही होगा कि तुम क्या चाहती हो, अपने प्यार की खुशी या जिंदगी भर का दर्द। ये घर छोड़कर जा रही हूं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।